पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। वाव। नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। एनडीटीवी इंडिया पर इस वक्त आप हैं और मेरा नाम है अंकित त्यागी। कुछ अहम मुद्दों पर आज बात करेंगे, उसमें से एक जो पहला मुद्दा होगा वो कश्मीर पर सियासत जो हो रही है, कश्मीरी पंडितों पर लगातार जो सियासत होती रहती है उस पर बात करेंगे, और साथ ही साथ बात इस पर भी करेंगे कि कैसे एनजीओस को टारगेट बनाने की एक जो आरोप सरकार के ऊपर लगातार लग रहा है उस पर भी आज हमारी नजर रहेगी, और फिर बिहारी अस्मिता के नाम पर जो लड़ाई है उस पर भी आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं कश्मीर पर सियासत किस तरीके से हो रही है और कश्मीरी पंडितों को इस सियासत के बीच में राहत कहीं दिखती नजर मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले आपको बताते हैं कि आज हुआ क्या जिसके बाद यह मुद्दा वापस गर्मा गया। मनोज सिन्हा जो कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उन्होंने एक ऐलान किया कि कश्मीरी पंडितों में जो सरकारी नौकरियों में कश्मीरी पंडित हैं उनको, क्योंकि वो अपने नौकरी पर नहीं आ रहे हैं इस वजह से उनकी जो तनख्वाह है, जो सैलरी है, उनको वो नहीं मिलेगी। अब ऐसा उन्होंने क्यों कहा? उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडित दफ्तर तो आते नहीं हैं, और दफ्तर क्योंकि वो आते नहीं हैं तो इस वजह से वो इस बात के हकदार नहीं है कि उनको पूरी सैलरी मिली जाए, दी जाए। पर पूरा मामला क्यों इतना तूल पकड़ता जा रहा है? क्यों ऐसा है कि कश्मीरी पंडित जो बरसों से चाह में थे कि वो अपने घर वापस जाएं, वो कश्मीर में लौट पाएं, वहां नौकरी कर पाएं, वहां पर रह पाएं, वो वहां लौटने के कुछ लोग जो लौट पाए, कुछ लोग जिन्हें नौकरी नसीब हो पाई, वो अपनी नौकरी के लिए कश्मीर में रहना नहीं चाहते, और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? कश्मीरी पंडितों की हमदर्दी का दम भरने वाले जो लोग हैं वो आज उनके इस हालात पर, इस फैसले पर कुछ कहते नजर क्यों नहीं आ रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि आज की पूरी घटना क्या रही और उसका रिएक्शन जो है वो कश्मीरी पंडितों से किस तरीके का रहा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने चेतावनी दी है कि वो कश्मीरी पंडित जो अपने घरों में बैठे हैं और दफ्तर नहीं जा रहे हैं, सरकार उनको तनख्वाह नहीं देगी। इसके विरोध में आज कश्मीरी पंडितों ने जम्मू के बीजेपी ऑफिस के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना था कि बढ़ती टारगेट किलिंग्स की वजह से उनको घरों में रहना पड़ रहा है, उन्हें किसी भी हाल में जम्मू से स्थानांतरित किया जाए। जो अभी भी एलजी साहब के तरफ से स्टेटमेंट आया प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट पैकेज एम्प्लॉयज को लेकर, इट हैज हर्ट द सेंटीमेंट्स ऑफ द पीएम पैकेज एम्प्लॉयज एंड आवर फैमिलीज। हमें एक्सपेक्टेशन नहीं थी, हमें एक्सपेक्टेशन थी कि वहां से इस तरह का स्टेटमेंट आए जिससे हमारे इश्यूज जो है वो रिजॉल्व होंगे, लेकिन जिस तरह स्टेटमेंट आया कि आप एम्प्लॉयज की सैलरी जो है अगस्त के बाद नहीं दे सकते हैं, उनको कश्मीर में काम करना है। हमने काम से कभी मना नहीं किया, मगर हमारी जानों की सिक्योरिटी जो है वो भी एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको इंश्योर करना है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि उनका संदेश कश्मीरी पंडितों के लिए साफ है और उन्हें ये समझना चाहिए। 31 अगस्त तक की तनख्वाह सबको दे दी गई, लेकिन अब ये नहीं हो सकता है कि घर बैठ करके तनख्वाह दी जाए। ये बात एक क्लियर एंड लाउड मैसेज है, ये सबको सुनना चाहिए, समझना चाहिए। बीजेपी मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन करने पहुंचे कश्मीरी पंडितों को बीजेपी के नेताओं ने भरोसा दिलाया कि पार्टी उनके लिए एक ट्रांसफर पॉलिसी का समर्थन करती है और ये पॉलिसी हर हाल में लाई जाएगी। भैन साड़ियां रोन तो फिर साड़ा इत्थे होने का मकसद ही कोई नहीं है। वादा करने कि ट्रांसफर पॉलिसी करवाइए रहोगे भावे जो मर्जी हो। बाकी गल नहीं समझो, कोई आदमी अपने आप की कमजोर मत समझे और ये कोई सियासत नहीं है। करीब 4000 कश्मीरी पंडितों को कश्मीर घाटी में प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत सरकारी नौकरियां दी गई हैं। इस साल मई में आतंकियों ने कश्मीरी पंडितों की टारगेट किलिंग शुरू कर दी थी। आतंकियों के निशाने पर कश्मीरी पंडित जम्मू के कर्मचारी और प्रवासी श्रमिक थे। पंडित कर्मचारी ही स्थानांतरण के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं।
देखिए हमें बहुत हताश हुए इन स्टेटमेंट से, हम बार बार बताना चाहते हैं इस स्टेटमेंट से पूरा स्टेट ऑफ इंडिया एंड जेके यूटी एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो चुकी है। और ये बोलना कि हम आपकी सैलरी फ्री में नहीं देंगे, हम काम करना चाहते थे, हम जम्मू से काम करना चाहते थे, हमारी सेवाएं यहाँ से लीजिए, आपने काफी लोगों को यहाँ लाया है आपने यहाँ पे लोगों को, आप इस फेलियर को भी छुपाते हैं। पिछले हफ्ते सरकार की ओर से संसद में कहा गया कि इस साल आतंकियों ने 4 कश्मीरी पंडितों की हत्या कर दी। विपक्ष का कहना है कि सरकार कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा देने में नाकाम रही है। हमने एलजी साहब का एक बयान देखा, कश्मीरी पंडित एम्प्लॉइज जो धरने पे जम्मू में बैठे हुए हैं उनके हवाले से, मैं समझता हूं कि बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान था ऐसे माहौल में, जबकि कश्मीरी माइनॉरिटीज जो है वो टारगेट बनाई जा रही है। नजीर मसूदी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। वादे तो इस बात के भी थे कि कश्मीरी पंडितों को अब कभी 1990-91 वाली सिचुएशन झेलनी नहीं पड़ेगी। बड़ी ताकतवर सरकार आई है जो सब कुछ बिल्कुल ठीक कर देगी। तो देखा आपने किस तरीके से कश्मीरी पंडित इस पूरे वाक्य पर अगर नाराज ना हो तो क्या करें। उनके नाम पर को राजनीति में खूब भुनाया गया, सियासत की रोटियां खूब सेकी गई, और अब उनकी मदद का जब वक्त आया है तो सरकार उनसे पल्ला झाड़ती नजर आ रही है। ये कहती नजर आ रही है कि देखिए पार्टी कुछ करेगी, एलजी साहब भी तो केंद्र के नुमाइंदे हैं, तो पार्टी तो केंद्र में भी वही है जो पार्टी यहां पे आश्वासन देती नजर आ रही थी। कानून व्यवस्था का हाल जो है उससे कश्मीरी पंडित डरे, अगर ना डरे तो वो क्या करे। इस साल 13 मई को बडगाम जिले में चंदूरा गांव में तहसीलदार के दफ्तर में राहुल भट्ट की हत्या कर दी जाती है। आतंकवादी आते हैं, उन्हें सरेआम गोली मार के चले जाते हैं, उन्हें गोलियों से भून डाला गया। 4 दिन बाद बारामूला जिले में दीवानबाग इलाके में 52 साल के रंजीत सिंह की उस समय मौत हो गई जब वो अपनी दुकान से लौट रहे थे, वहां पर आतंकवादियों ने हथगोला फेंका। प्रशासन ने कहा कि उस डरने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आतंकवादी जो हैं वो यही चाहते हैं कि लोग डर के घाटी से पलायन कर जाएं। पर प्रशासन के इन दावों के पीछे कौन अपनी जान दांव पे लगाता। जून में सरकारी नौकरी जिन लोगों को मिली थी उस समेत सैकड़ों कश्मीरी पंडित श्रीनगर पे सड़कों पर उतर आए, उन्होंने विरोध किया। आतंकी हमलों में उनके समुदाय के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, इस बात को लेकर उनमें खासा रोष था। उनके लोगों को धमकी दी जा रही है कि जम्मू पलायन नहीं करेंगे तो मारे जाएंगे। काफी सारे लोग जम्मू चले भी गए। 2 दिनों में 100 से ज्यादा कश्मीरी पंडितों ने, जिनको मनमोहन सिंह की सरकार में नौकरी देकर कश्मीर में लाया गया था, बसाया गया था, उन्होंने वहां से पलायन कर दिया। जम्मू कश्मीर सरकार के नए फरमान के बाद कश्मीरी पंडितों का गुस्सा जो है वो फिर से उबल पड़ा है और एक बार फिर से उनकी नाराजगी सामने आ रही है। आइए याद करते हैं कि बीजेपी ने 2019 में अपने चुनावी घोषणा पत्र में कश्मीरी पंडितों के लिए क्या क्या वादे किए थे, उन्हें क्या क्या सपने दिखाए थे। 2019 के चुनावी घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम कश्मीरी पंडितों की, ये देख रहे हैं आप, हम कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा और सुरक्षित वापसी के सभी प्रयास करेंगे। पश्चिम पाकिस्तान, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर और जो छम से आने वाले शरणार्थी के पुनर्वास के लिए आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। कश्मीरी पंडितों की वापसी के लिए सरकार कई योजनाओं का ऐलान भी कर चुकी है। पुराने घरों की मरम्मत के लिए 7.5 लाख रुपए मिलेंगे, हर महीने प्रति व्यक्ति 3,250 रुपए दिए जाएंगे और हर महीने प्रति व्यक्ति 9 किलो चावल, 2 किलो आटा, 1 किलो चीनी भी कश्मीरी पंडितों को मुहैया कराई जाएगी। दिल्ली में बसे कश्मीरी पंडित परिवारों को हर महीने प्रति व्यक्ति 3,250 रुपए मिलेंगे और 1,000 रुपए की जो पेंशन है वो दिल्ली सरकार भी उनको देगी। क्या कश्मीरी पंडितों के साथ इंसाफ हो रहा है या उनका सिर्फ इस्तेमाल एक तरीके से धार्मिक भावनाएं या किसी तरह का एक माहौल पैदा करने के लिए बस किया जाता है, चाहे वो फिल्में हो जो कहती हैं कि हम सच्चाई दिखा रहे हैं, कश्मीर के अंदर जो हुआ उसकी सच्चाई से कश्मीरी पंडितों के साथ जो अन्याय हुआ, हिंसा हुई, उसे कोई नकार नहीं सकता, पर उसके बाद क्या जो सरकारें, जो पार्टियां उनके नाम पर वोट लेकर आज राष्ट्रवाद की बात कर रही हैं, कश्मीरी पंडितों को क्या इस हालत में छोड़कर उनका सही राष्ट्रवाद सामने आ रहा है।
इसके लिए आइए बात करते हैं। हमारे साथ सतीश मालदार साहब जुड़ रहे हैं जो और सुशांत साहब जुड़ रहे हैं, ये दोनों इस वक्त कश्मीरी पंडित हैं जो हमारे को ये समझाने की कोशिश करेंगे और बताने की कोशिश करेंगे कि हालात अभी हैं क्या। सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहता हूं सतीश जी, जो बार बार ये बात कही जा रही थी कि देखिए अब तो आर्टिकल सरकार ने 35A भी हटा दिया है, सरकार ने बिल्कुल बदल दिया है, यहां पर नई सरकार है, सुरक्षित लोग होंगे, क्या हालात ऐसे हैं कि लोगों को इतना कॉन्फिडेंस हो कि वो वापस जाके नौकरियां कर लें उन्हीं जगहों पर जहां जहां उन्हें नौकरियां मिली थी? मुझे लगता है कि कुछ तकनीकी खराबी है सतीश जी के कैमरे पर, उससे पहले हम सुशांत जी के पास जाते हैं। सुशांत जी, मेरा यही सवाल आपसे भी है, क्या ऐसे हालात हैं कि लोग सुरक्षित बिना किसी घबराहट के बिना किसी परेशानी के वैली में कहीं भी जाकर कश्मीर में कहीं भी जाकर कश्मीरी पंडित नौकरी कर सके, पुराने अपने घरों में लौट सके? देखिए पिछले 1.5 साल का जो घटनाक्रम है, am I audible? क्या मेरी आवाज? जी आपकी आवाज आ रही है सर, बोलिए। हाँ, पिछले 1.5 साल का जो घटनाक्रम है उसमें माइनॉरिटी एम्प्लॉइज अक्टूबर के महीने में 2021 में दीपक चंद्र सुपेंद्र कौर, दीपक चंद्र प्राइम मिनिस्टर्स पैकेज में जो नियुक्त किए गए थे, दीपक चंद्र सुपेंद्र कौर को अपने स्कूल प्रेमिसेस में आतंकवादियों ने मारा, अक्टूबर 2021 की मैं बात कर रहा हूं। उसके बाद हम प्रशासन के पास गए, प्रशासन ने हमें वादा किया, हमें प्रॉमिस किया, हमें कॉन्फिडेंस डाला कि आप जो है नौकरियों पे आ जाइए। उस वक्त भी 2 महीने में हड़ताल चला, गवर्नर प्रशासन ने हमें भरोसा दिलाया कि ऐसी घटना नहीं होगी, आप नौकरियों पे आइए, हम आपको भरोसा देते हैं ऐसा नहीं होगा। अक्टूबर 2021 के बाद हम दिसंबर जनवरी के महीने में हमने फिर से ज्वाइन कर दिया कश्मीर में अपनी ड्यूटी, और उसके 3 महीने के बाद मेरे भाई राहुल भट्ट जो प्राइम मिनिस्टर्स पैकेज में रिक्रूट हुए थे उनको अपने ही दफ्तर में तहसील हेडक्वार्टर में मारा गया आतंकवादियों द्वारा, तहसील हेडक्वार्टर्स की मैं बात कर रहा हूं, मई के महीने में। उसके बाद जो है हमने प्रदर्शन शुरू किया बड़गाम के अंदर, LG एडमिनिस्ट्रेशन के आगवाई में हम पर लाठीचार्ज किया गया, हम पे टियर गैस मारे गए, क्यों? क्योंकि हम प्रदर्शन कर रहे थे कि हमारे भाई को गवर्नमेंट एम्प्लॉय कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट उसको अपने दफ्तर में मारा गया। उसके बाद प्रदर्शन चलता गया और मई के महीने में ही हमारे एम्प्लॉय रजनी बाला जो डोगरा समुदाय से बिलोंग करती है उनको स्कूल में मारा गया। उसके बाद हमारे एक और एम्प्लॉय विजय कुमार जो बैंक में काम करते थे कुलगाम के अंदर, राजस्थान के थे, माइनॉरिटी एम्प्लॉय हिंदू समुदाय से बिलोंग करते थे, उनको मारा गया। उसके बाद अगस्त में जो नॉन माइग्रेंट कश्मीरी पंडित फैमिली शुपियन में रहती थी उनको मारा गया, जिसमें सुनील भट्ट, पूरनजी भट्ट। तो अब तक का जो घटनाक्रम है पिछले 2 साल में 24 से ज्यादा हिंदू जो है कश्मीर में मारे गए। हम इन पर जवाबदेही चाहते हैं LG एडमिनिस्ट्रेशन की, और LG साहब का ये गैर जिम्मेदाराना बयान कि मैं इनकी तनख्वाहें बंद कर दूंगा, आप किस समाज से बात करते हैं? जिस समाज ने पिछले 32 साल से वायलेंट ट्रामा सहा, जिस समाज ने प्रोसिक्यूशन सही, जिस समाज ने फोर्स एक्सोडस सहा, आप कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर है, आप घर के बड़े हैं, आप यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के LG है, क्या ये शोभा देता है आपको? सुशांत जी, क्या आप भी वहां पर नौकरी करते हैं कश्मीर में, क्या आप भी वहां से? मैं नौकरी करता हूं, पिछले 6 साल से मैं नौकरी करता हूं, और मैं LG साहब को बताना चाहता हूं कहां पर है आपकी पोस्टिंग। मेरी पोस्टिंग अनंतनाग में है कश्मीर में। और क्या आप इस वक्त अनंतनाग में हैं या फिर आप जम्मू में हैं? मैं पिछले 225 दिन से प्रोटेस्ट का पार्ट हूं, जो जम्मू में प्रोटेस्ट हम कर रहे हैं 225 दिन से, और हमारी एक ही सिंगल पॉइंट डिमांड है LG साहब से कि हमारी नौकरियां आप जम्मू में टेम्पररी ट्रांसफर कीजिए जब तक कि घाटी में हालात ना ठीक हो। तो घाटी में हालात एक बार फिर से जिस तरीके से ये बात हो रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का हमेशा ये आरोप रहा है कि कांग्रेस के समय में देखिए हालात बिगड़े थे, उम्मीद थी कि जब वो आएंगे तो हालात सुधरेंगे, अगर वही हालात अभी भी हैं, और सतीश जी मैं आपसे ये सवाल लेना चाहता हूं, अगर वैसे हालात अभी भी हैं तो कश्मीरी पंडितों के लिए तो कुछ नहीं बदला, 30 साल से जिस तरीके के जुल्म उन्होंने पहले झेले वो जुल्म अभी भी झेल रहे हैं। यस जी, सबसे पहले मैं आपको सिक्योरिटी के दायरे से कहना चाहता हूं, जो क्रिमिनल्स हैं जिनका वाकई में ट्रैक रिकॉर्ड है, दे हैव अ बैकग्राउंड, वेरी बैड बैकग्राउंड, उनको सरकारी अकोमोडेशन दी जाती है, उनको सरकार गाड़ियां देती है, फ्यूल एक्सपेंसेस देते हैं, चार चार PSOs देते हैं,
उनका कंट्रीब्यूशन इन टूवर्ड्स द पीस या डेवलपमेंट ऑफ द कश्मीर क्या है, कोई नहीं है. बट डिस्पाइट दैट द करप्शन इज एट द हाइएस्ट लेवल, द क्रिमिनल्स आर गिवन द पीएसओस, किसी को 4, किसी को 8, किसी को 10, कोई अंत नहीं है. वेयर एज दो पीपल नॉट ओनली कश्मीरी माइन, देर आर 6 ऑल्सो और अदर पीपल हु कंप्लेन कि देर दे हैव अ सिक्योरिटी प्रॉब्लम, उनके लिए कुछ नहीं. दिस फर्स्ट पार्ट, द करप्शन एंड द सिक्योरिटी, आई एम जस्ट गिविंग अ टिप ऑफ द आइसबर्ग, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रॉब्लम. सेकंड पार्ट इज, पहले 2019 से पहले हमने एक दीवार बनाई थी जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जो मुस्लिम वाकफ बोर्ड, जो मीरवाइज उमर साहब और बाकी तमाम उलेमास एंड रिलीजियस स्कॉलर्स, दे क्रिएटेड अ इंटर कम्युनिटी, कम्युनिटी उन्होंने क्रिएट की थी टू एड्रेस सच वल्नरेबल इश्यूज ऑफ द कम्युनिटी. आज 32 साल से मैं एज ए माइग्रेंट कश्मीरी, मेरे साथ चाहे वो मुसलमान समुदाय के लोग भी है, सिख समुदाय के लोग भी है, क्रिश्चियन समुदाय के लोग भी है, जो अपने घर नहीं जा पाए, अपने वतन नहीं जा पा रहे, मैं आज आपके माध्यम से कह रहा हूं, हमारे माननीय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिन्होंने एश्योर किया था सिटीजंस ऑफ इंडियंस कि हम आपको रिहैबिलिटेट करेंगे, बट दे फेल्ड. जी, आज तक कोई भी सरकार रही है 90 से लेके अभी तक, वादे तो बहुत हुए हैं, इलेक्शन के जुमले काफी हुए हैं, बट दे फेल्ड टू रिहैबिलिटेट द कश्मीरी माइग्रेंट्स. ये अब बच्चे गए थे कश्मीर में, ये एज ए वहां पर अपनी एक शुरुआत हुई थी, जो भी पूर्व सरकार थी मनमोहन सिंह की, उन्होंने एक शुरुआत की थी, अब ये भी वहां से उखड़ के आ रहे. सुशांत जी, क्योंकि आप वहां पर नौकरी भी करते हैं, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं सतीश जी. सुशांत जी, आप वहां पर नौकरी भी करते हैं, ठगा महसूस करते हैं क्या कश्मीरी पंडित, कि उनके नाम पर जैसे सतीश जी भी कह रहे हैं बातें बहुत हुई, और सिर्फ अभी की सरकार की बात नहीं है, इससे पहले की सरकारों की भी बात है, सबने बातें बहुत की कश्मीरी पंडितों के बारे में, और ना तो उनकी स्थिति कोई सुधरी, और जो कम से कम थोड़े जिन्हें अंग्रेजी में ग्रीन शूट्स कहते हैं, थोड़े लोग पैर जमाने के लिए वापस पहुंचे भी थे, चाहे वो एक कैंप के अंदर रह रहे थे, चाहे वो कुछ कॉलोनीज के अंदर रह रहे थे, वो भी अब वहां से उखड़ते नजर आ रहे हैं. देखिए, जो सक्सेसिव गवर्नमेंट्स है, मेरे पास उनके लिए एक शब्द है, जो शब्द है क्रिमिनल एपथी टुवर्ड्स द कश्मीरी पंडित कम्युनिटी एट लार्ज एंड दीज कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज हु वर सर्विंग इन वैली, उनके लिए पर्टिकुलर. आप जब कॉलोनी की बात करते हैं, ये जो कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग वहां कश्मीर में जॉब करने गए थे, इनके लिए सरकार ने कुछ प्रोमिसेस किए थे. सरकार ने बहुत बड़ा एक टर्म्स में रखा रिहैबिलिटेशन. आप मुझे बताइए, किस कश्मीरी पंडित फैमिली की वहां पे रिहैबिलिटेशन हुई, किस एम्प्लॉय की रिहैबिलिटेशन हुई? आज की मैं स्थिति बताता हूं. जो एमओएस होम ने भी पार्लियामेंट के पटल में रिकॉर्ड बताया कि हमने 6000 घर बनाने थे, 6000 घर तो नहीं, उनको मैं फ्लैट कहता हूं, दो कमरों के 6000 फ्लैट ये सरकार 8 साल में नहीं बना पाई. 6000 में से 1025 बनी है, वो भी अभी डिफरेंट स्टेजेस ऑफ कंप्लीशन में है. तो रिहैबिलिटेशन जो है बहुत दूर की बात है. आप इन 4 या 5 हजार एम्प्लॉय के लिए 2 कमरे नहीं बना पाए, तो रिहैबिलिटेशन को इसके साथ जोड़ना, ये तो ये जगलरी ऑफ वर्ड्स है. इट्स अ शैम, इट्स अ फसाद. सतीश जी, अंत में मैं आपसे बात समझना चाहता हूं, उम्मीद है कुछ, मतलब किसी भी सरकार से, जैसे आप लोग उम्मीद रखते होंगे, सरकार ने बड़े बड़े वादे किए, उम्मीद बची है कुछ कि क्या कश्मीर में 1990 का जो इस्लामिक टेरर वाला जो एक मौका आया था, पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद का जो मौका आया था, उससे आपको उम्मीद है कि कहीं 1990 से पहले वाली स्थिति कभी भी कश्मीर में लौट सकती है? जिस तरीके से सरकारें काम कर रही हैं, वो सपना जो शायद आप लोग रोज देखते होंगे कि वतन वापस जाएंगे, वो कभी पूरा हो सकता है? देखिए, पहले बात मैं दो बातों में कहूंगा. सिंस 1990 एवरी इनोसेंट पर्सन ऑलवेज हैज एक्सपेक्टेशंस की सरकार से हमें जस्टिस मिले. जब भी हम बात करते हैं जस्टिस की, चाहे राहुल भट्ट की फिल्म की बात करें, आश्वासन दिया कि दैट द एसआईटी प्रो विल बी टेकन केयर ऑफ, बट आज तक तो वो हुआ नहीं, आज तक तो हुआ नहीं. 90 की दशक की बात करें, आज तक करें, कोई भी सरकार ने एसआईटी प्रोब तो नहीं किया. पर मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं कि जो हमने एज ए कम्युनिटी एक दीवार खड़ा की थी फॉर द कम्युनिटी,
मैं आज फिर एक बारी आपके माध्यम से अपील कर रहा हूं मीरवाइज उमर साहब को, उनको रिलीज कीजिए। मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को अपील कर रहा हूं, मैं रिल कश्मीर के जितने भी स्कॉलर्स हैं मैं उनको अपील कर रहा हूं, जितनी भी सरकारें आई हैं दे हैव फेल्ड टू रिहैबिलिटेट माइग्रेंट्स ऑफ कश्मीर द इंडिजिनस पीपल, आप हमें बसाइए, गवर्नमेंट हैज फेल्ड, आप हमारे इंसाफ कीजिए, गवर्नमेंट हैज फेल्ड। मैं आपके माध्यम से आज अपील करता हूं पूरे कश्मीर के, मीरवाइज साहब को रिलीज कीजिए एंड गिव ब्रिंग अस द जस्टिस। हमारे को कोई रिहैबिलिटेट नहीं कर रहा, हमारे ऊपर सियासत होती है, हमारे लोगों को मारा जाता है, बेगुनाह लोगों को मारा जाता है, प्लीज आप उनको रिलीज कीजिए एंड मेक श्योर दैट मुस्लिम पर्सन। सतीश जी, पर आपको नहीं लगता कि इसमें सरकारों की जो खामी है वो वहां पर कश्मीर के अंदर जो मेजोरिटी है उसकी भी शायद कहीं ना कहीं इसमें खामी है कि वो इस तरह का माहौल शायद बनाने में सफल नहीं हो पाए कि आप लोग वापस जा सके? देखिए, वहां पर इनोसेंट, मैं आपको बताऊं, जो इंडियन आदमी है जो प्रो कश्मीर की बात कर रहा है, वहां पर जब वो एक ऑफिसर के पास जाता है कि सर मैं देश के लिए, वतन के लिए, कश्मीर के लिए, लोगों के लिए, आवाम के लिए बात करता हूं, तो उसको भगा के बोलते हैं जाके आप घास काटो, वहां पर पार्क में बैठो। ओके, उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है कश्मीर में। करप्शन इज एट द पीक। मैंने आपको जैसे कहा कि सिक्योरिटी लेवल जो क्रिमिनल्स हैं, गवर्नमेंट अकोमोडेशन होटल्स वहां पर मोर देन 500 रूम्स आर टेकन अप। ठीक है, लाल चौक में देयर आर मोर देन 3000 गवर्नमेंट क्वार्टर्स। ये जो गुस्सा है जो सतीश जी का आप देख रहे हैं, जो सुशांत जी का आप देख रहे हैं, ये सिर्फ इन्हीं का गुस्सा नहीं है, ये कश्मीरी पंडितों का जो इतने साल से ठगा महसूस कर रहे हैं। सरकारें आती हैं, वादे करती हैं, जमीन पर स्थिति बदलती नहीं है, ये उस बात का गुस्सा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें बताने के लिए कि स्थिति अभी वहां पर किस तरीके की है, हालात वहां पर किस तरीके के हैं। क्योंकि बात सिर्फ सरकार के वादों से या ये बात कहने से कि हम बहुत मजबूत हैं और हम सब बदल देंगे, उससे नहीं चलेगी। जमीन पर भी कश्मीर के लोगों को भी, कश्मीर की मेजॉरिटी को भी साथ लेना होगा एक ऐसा माहौल बनाने के लिए। पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना होगा आतंकवाद के फ्रंट पे, बॉर्डर पे, और जमीन पर लोगों को साथ लेना होगा कि ये कश्मीरी पंडित जो इनका सपना है, 30 साल से ऊपर का सपना है, कभी पूरा हो सके अपने घर वापस जाने का। आगे बढ़ते हैं और एक और सूबे की बात करते हैं, बिहार की। बिहार सुर्खियों में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एक ऐसी बात कही जिसको कहा जा रहा है कि देखिए बिहार का बहुत तिरस्कार कर दिया गया है। क्या विपक्ष भारत को बिहार बनाना चाहता है, ऐसा पीयूष गोयल जी ने कहा। इस बारे में एक जबरदस्त हंगामा हो गया संसद में। उन्होंने अब अपना बयान तो वापस ले लिया, उस पर एक बड़ी बहस लेकिन अब छिड़ गई है कि बिहार और बिहारी शब्द क्यों इस तरीके से इस्तेमाल होता है, इतने हल्के तरीके से इस्तेमाल होता है, और बिहारी शब्द और बिहार की इस दशा का जिम्मेदार कौन है। पर सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि पीयूष गोयल ने क्या कहा था, और उसके बाद आरजेडी के सांसद मनोज झा जो हैं उन्होंने इस बात पर अपनी क्या प्रतिक्रिया दी। अगर सदन के नेता बिहार के बारे में इतनी ओछी अश्लील टिप्पणी करते हैं तो एक एक बिहारी का अपमान है, तो ये मैं कह रहा था। तो क्या जो कोई रिप्लाई आया उन्होंने माफी नहीं, अभी तक चेयरमैन साहब के से कोई रिप्लाई नहीं आया है। आज सदन में वो खड़े हुए, उन्होंने कहा मैं विड्रॉ करता हूँ। ये स्टेटमेंट विड्रॉ करने वाली चीज नहीं है, ये सीधे पब्लिक अपॉलॉजी वाली चीज है, और इसमें दोनों में मीलों का फासला है। अभी भी मेरी विनती होगी, अगर पीयूष गोयल जी माफी नहीं मांगते हैं सदन में और एक एक बिहार के लोगों से, तो जाहिर तौर पर मैं मानूंगा कि प्रधानमंत्री जी की और उनकी पार्टी की कहीं यही तो मंशा नहीं। एक पीयूष गोयल जी आते हैं महाराष्ट्र से, और महाराष्ट्र का एक इतिहास रहा है जो उत्तर भारतीयों को लेकर के, आपको लगता है वो मान सकते? नहीं, मैं सीधे तौर पर मानता हूँ कि इस तरह के पूर्वाग्रह बिहार को लेकर के कई लोगों के जहन में होते हैं। कई लोग पूर्वाग्रह दबाना जानते हैं, नौटंकी, शायद उनसे नौटंकी हुई नहीं, अंदर का पूर्वाग्रह बाहर आ गया। एक और अंतिम का सवाल है, पिछले दिनों आदित्य ठाकरे आए थे पटना, तो कहा गया था कि एक दो युवाओं का मिलन है और हमको इतिहास को भुला देना चाहिए जो उत्तर भारतीयों के साथ मुंबई में हुआ। आपने आज गौर किया कि नहीं, गांधी स्टैच्यू पे तमाम विपक्ष के दल थे, तमाम डीएमके, सीपीआई, सीपीएम, एनसीपी, शिवसेना। इससे आपको पता चलता है कि वो जो पूरा विमर्श था, शिवसेना में भी तब्दीली आ गई, तो वो विमर्श अब पीयूष गोयल जी जैसे लोगों के, और भाजपा को चिंता करनी चाहिए, ऐसे तो जीरो पे सिमट जाएंगे।
सर ये बिहार के अपमान का प्रश्न है। पीयूष जी मैं हाथ जोड़ता हूँ, अब आप मुझ पे टिप्पणी कर ले, मेरे राज्य बिहार पे टिप्पणी ना करें। उसके बाद पीयूष गोयल ने अपनी सफाई दी, उन्होंने कहा कि मेरा कोई मकसद नहीं था बिहारी अस्मिता को ठेस पहुंचाने का। अगर आपको लगा हो कि आपके प्राइड को अस्मिता को ठेस पहुंची है तो मैं अपने शब्द वापस ले लेता हूं। मनोज झा से थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि देखिए उन्होंने अब तक माफी नहीं मांगी, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि बिहार की ऐसी स्थिति क्यों है कि कोई भी बिहार को और बिहारियों के बारे में इस तरह की बात करके चला जाए। बिहारी शब्द जो है आपने सुना होगा, दिल्ली के अंदर अगर आप रहते हैं बस बस में जाएं तो कई बार लोग ऐसे कहते थे पलट के ए बिहारी, उसको इतने इस तरीके से इस्तेमाल क्यों किया जाता है कि वो कहीं ना कहीं लोगों को बुरा लगे। जिम्मेदार कौन है इसके लिए? आरोप प्रत्यारोप और टिप्पणियां तो होती हैं, लेकिन आइए आपको पहले बिहार की जो हालात है, स्थिति है, उसके बारे में कुछ बता दें। स्थिति आखिर बिहार की ऐसी क्यों है? बिहार को अपमान तिरस्कार क्यों झेलना पड़ता है? बिहारियों को क्यों झेलना पड़ता है? क्यों कहा जाता है कि बिहार से सिर्फ लेबर आते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। आप ब्यूरोक्रेसी देख लीजिए, आपको पता चलेगा कि कितने बड़े बड़े आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स और कितने सारी संख्या में बिहार से आते हैं। और ये उस बिहार की बात कर रहे हैं जहां पर भगवान बुद्ध, महावीर और कितने सारे महापुरुष हुए, नालंदा जैसी इतने बड़े बड़े विश्वविद्यालय हुए। लेकिन आज के बिहार की तस्वीर क्या है? अगर गरीबी की बात करें तो राज्य की जो हालात है वो दयनीय दिखाई पड़ती है। मौजूदा दामों के हिसाब से बिहार में 2020-2021 में प्रति व्यक्ति जो आय थी वो 50,555 रुपए थी, जबकि देश में अगर उससे कंपैरिजन करें तो देश में प्रति व्यक्ति आय जो है वो 86,639 रुपए रही है। नीति आयोग के आंकड़ों के हिसाब से गरीबी के सूचकांक में जो बिहार है वहां पर सबसे गरीब राज्यों में आता है। 51% आबादी बिहार की गरीबी रेखा के नीचे है। अगर इसकी तुलना मैं एक राज्य से करूं, केरल से कर दूं, 51% बिहार की जनता गरीबी रेखा के नीचे, वहीं केरल में 1.1% से भी कम, 0.71%। बिहार के 11 जिले ऐसे हैं जहां पर 60% से ज्यादा गरीबी है। इसमें किशनगंज को अगर आप देखें तो 64.75, अररिया को अगर आप देखें तो 64.65, मधेपुरा में 64.43, पूर्वी चंपारण 64.13, सुपौल 64.10। इतने सारे लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। बिहार के लोग पढ़े लिखे तो बहुत, लेकिन बेरोजगारी का आलम जो है वो बिहार में चिंता वाला है। राज्य में 17.3 बेरोजगारी दर है अगर अभी की बात करें तो। बेरोजगारी में बिहार चौथे नंबर पर आता है। स्वास्थ्य व्यवस्था खस्ते हाल में है। थोड़े हालात आपको दिखाते हैं नंबर्स पर नजर डाल के। बिहार में सबसे ज्यादा कुपोषित लोगों की आबादी है। 2019 से 2020 में हर 1,000 जन्मे बच्चों पर 47 शिशुओं की मौत बिहार में हो रही है। यह दर लगभग उतनी है जितने 5 सालों से पहले थी, यानी कि 5 साल में कुछ खास बदलाव नहीं आया है। शिक्षा की अगर बात करें, 2022-2023 में वार्षिक अगर कार्य योजना और बजट के हिसाब से बिहार में टीचरों की लगभग 7 लाख स्वीकृत पद है। शिक्षा व्यवस्था बिहार की कैसे ठीक होगी, इसी बात पर इतनी राजनीति होती है। 7 लाख पद सरकार ने स्वीकृति दे रखी है, जिनमें से 4.5 लाख से भी ज्यादा टीचरों की नियुक्ति जो है अभी तक हो पाई है। 2.5 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हुए, यानी कि बिहार को उत्कृष्ट राज्य बनाने का जो बातें राजनेता करते हैं वो सिर्फ जुमला रह जाता है, वो सिर्फ बातें रह जाती हैं। तमाम सूचकांक देख लीजिए, बिहार उन सब में पिछड़ा हुआ नजर आता है। वहां की जनता जो है वो जनता सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल होती है। उस जनता के लिए नेताओं का जो कर्तव्य है वो पीछे रह जाता है। यहां के छात्र कड़ी मेहनत करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, बड़े बड़े कारनामे भी करते हैं, आईएएस आईपीएस भी बनते हैं, लेकिन रोजगार के मामले में बिहार के अंदर ना तो कोई सुविधाएं हैं, ना कोई ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जहां ये डिग्निटी के साथ बिल्कुल अच्छे तरीके से नौकरी कर सकें। इसीलिए बिहार से ट्रेनें आपको भरी भरी दिखाई पड़ती हैं मजदूरों की आने की, और शायद यही वजह है कि उनको इतना तिरस्कार झेलना पड़ता है, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे और राज्य हो। तो अगर बिहारी अस्मिता आपकी ठेस होती है तो कम से कम 1991 से लेकर अब तक 31 साल में आरजेडी और साथ ही साथ नीतीश बाबू की जो बीजेपी के साथ सरकार रही है
उनको सोचना होगा कि उन्होंने बिहार की स्थिति को बदलने में क्या क्या किया और कितना योगदान दिया है। छोटा सा एक ब्रेक अभी ले रहे हैं, वापस आ रहे हैं, खबरों का सिलसिला जारी है। स्वागत है आपका एक बार फिर से खबरों की खबर में। और अब उत्तर प्रदेश से एक ऐसी खबर आपके सामने लेकर आते हैं जो आपको भी सोचने में मजबूर कर देगा कि यह सब उत्तर प्रदेश में ही हो सकता है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने अमेरिका में जाकर ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ 35,000 करोड़ का समझौता किया। दोबारा सुनिए, 35,000 करोड़ का समझौता, जिसकी यूनिवर्सिटी जो है उन्होंने ये चेक नहीं किया कि इसकी मान्यता जो है वो रद्द हो चुकी है। उत्तर प्रदेश की सरकार का कहना है कि ऑस्टिन यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि ऑस्टिन कंसल्टेंसी ग्रुप के साथ यह समझौता हुआ था। अब इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला ने यह रिपोर्ट भेजी है, ये आप जरा देख लीजिए। ये तस्वीर 16 दिसंबर की है जिसमें अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में यूपी सरकार के मंत्री सुरेश खन्ना, पूर्व मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह और यूपी सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव अरविंद कुमार, कैलिफोर्निया की ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के चांसलर डॉक्टर विलियम कैंट के साथ समझौता करने के बाद तस्वीर खिंचाते हुए नजर आ रहे हैं। एमओयू में हस्ताक्षर के बाद यूपी सरकार की प्रेस रिलीज में बताया गया कि यूपी सरकार ने कैलिफोर्निया की ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ $42 अरब का समझौता किया है। ये समझौता 16 दिसंबर को सैन फ्रांसिस्को में हुआ। समझौते पर हस्ताक्षर करने खुद यूपी सरकार के मंत्री सुरेश खन्ना और पूर्व मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह सैन फ्रांसिस्को गए थे। यूपी सरकार ने यह समझौता ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ यूपी में ऑस्टिन स्मार्ट सिटी ऑफ नॉलेज बनाने के लिए किया। एनडीटीवी को मिली जानकारी के मुताबिक कैलिफोर्निया प्रशासन के दस्तावेजों में एमओयू पर दस्तखत होने से कुछ दिन पहले ही ऑस्टिन यूनिवर्सिटी की मान्यता रद्द कर दी गई। कैलिफोर्निया के उपभोक्ता मामलों के विभाग के वेबसाइट के मुताबिक 8 दिसंबर को ऑस्टिन यूनिवर्सिटी की मान्यता रद्द कर $9,965 का जुर्माना लगाया गया है। कैलिफोर्निया के उपभोक्ता मामलों के विभाग के मुताबिक यह फैसला ऑस्टिन यूनिवर्सिटी ने 2019 और 2020 की सालाना फीस ना भरे जाने के लिए किया है। इस पूरे मामले पर एनडीटीवी को यूपी प्रशासन ने लिखित जवाब दिया है। यूपी सरकार के मुताबिक ये सिर्फ एमओयू यानी समझौता ज्ञापन है। ऑस्टिन यूनिवर्सिटी को कोई जमीन या लाभ नहीं दिया गया है। ये एमओयू ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ नहीं बल्कि ऑस्टिन कंसल्टिंग ग्रुप के साथ किया गया है। ऑस्टिन कंसल्टिंग ग्रुप के अधिकारियों को यूपी बुलाया जाएगा। यूपी सरकार के अधिकारी सारे दस्तावेजों की जांच के बाद ही आगे बढ़ेंगे। ऑस्टिन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के मुताबिक उनकी यूनिवर्सिटी में एक भी बच्चा नहीं पढ़ता और यूनिवर्सिटी में सिर्फ 25% शिक्षक ही उपलब्ध हैं। यूपी सरकार चाहे कुछ भी कहती रहे, लेकिन जिस एमओयू में दस्तखत हुए हैं उस एमओयू में ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के चांसलर के भी दस्तखत हैं। यूपी सरकार के कुछ अधिकारी नाम ना लेने की शर्त पे बता रहे हैं कि बहुत बड़ी भूल हो गई है। सोचिए कि एक मंत्री जाता है, पूर्व मंत्री जाता है, इतना बड़ा अधिकारी जाता है और एक बार यूनिवर्सिटी की वेबसाइट चेक नहीं करता, उनका कैंपस नहीं देखता। और इस पूरे मामले में यूपी सरकार की किरकिरी हुई है और जो एक पूरा आउटरीच प्रोग्राम चल रहा है विदेश से निवेश लाने का, उस पर भी अब सवाल खड़े होने लग गए हैं। नई दिल्ली से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।